ले, वरना कोई बढ़िया सा रिश्ता देख के ना इसको निपटा दूंगा। फिर याद करते रहना अपने बचपन का प्यार, बड़ा आया। चल बेटा, हिटलर हिटलर आ जा। और मेरी माँ का वचन का क्या होगा? हाँ तो कर ले पूरा, 5 महीने हैं, चारों बहनों की शादी कर ले और ले जा सपना को। और हाँ, मेरे से थोड़े से पैसे ले जाइयो या अपनी फुंसियाँ ठीक कराने के लिए, हिटलर बनता है। जुलाई का आया 36,000, अगस्त में आया 34,000, सितंबर में कुछ आया ही नहीं। किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं होगा भैया। मेरी, आपकी और इन 3 लड़कियों की किस्मत में कुछ कमी है। इधर इधर बैठ। तेरी किस्मत में कमी नहीं है, मेरी इन बहीखातों की किस्मत में कमी है। तो बेटा मेरा हीरा बेटा, इन लड़के वालों की किस्मत खराब, तेरी नहीं। पर भैया कैसे होगा, जैसे तैसे मेरा दहेज अगर हो भी जाए तब भी और 3 हैं तुम्हारे मत्थे। तुझे पता माँ क्या कहती थी? कहती थी बेटियों की शादी कराने के लिए महादेव भगवान खुद आते हैं, जिस राम ने चोंच दिए वही दाना भी देगा। तू क्यों इतना सोचती है, है? तू पागल है। ऐसा प्यार कहाँ, ऐसा प्यार कहाँ, ऐसा जलना कहाँ। मुझे पसंद है लड़का। तू जा, अगले हफ्ते आई। अरे क्यों, मैं कह रहा हूँ, अरे ऐसे लड़कों को जानता हूँ, ये टिकटॉक पे बड़े फेमस होते हैं, मैं शादी करवा दूंगा तेरी से। कबाड़ी वाला है वो, पैसे देने आता अलमारी के, करा लो शादी इससे, जाओ शादी करा लो इससे। मेरी बाल करके धोखा देते फिर रहे लोगों को। भैया 500 रुपए दो। क्यों, देखे भूल गई थी? कॉलेज जाना है। तो कॉलेज में अंदर जाने के लिए पैसे लेते हैं वो लोग। टैक्सी से जा रही हूँ। तो बस में चली जा। नहीं नहीं, मैं टैक्सी से जा रही हूँ, वरना सबको पता लग जाएगा कि हम लोअर मिडिल क्लास से हैं। अच्छा मैं छोड़ दूंगा ना। मुझे नहीं जाना ना, मेरे को टैक्सी में जाना। भैया मुझे भी रास्ते में ट्यूशन छोड़ देना। एक सेकंड, जब सबको छोड़ रहे तो मुझे भी डांस क्लास छोड़ दो। चले, तुम पूरे महीने पैसे ही मांगती रहती। अरे भैया वो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स के लिए ना लैबोरेटरी का सामान खरीदना है। खरीदने की क्या जरूरत है, चोरी कर लो। ओए बच के, बहन से चोरी करवाओगे? बहन नहीं, डायन हो तुम लोग, डायन। और मैं चाहता हूँ तुम लोग डकैत बनो। कितना चल रहे हो? तुम दोनों में से किसी को मारी होगी। मुझे तो उस जीप में होना चाहिए था। अच्छा अरे क्या हुआ, उतरो उतरो उतरो। अरे पर क्यों? अरे उतरो, मुझे काम याद आया, चलो जाओ। अरे पर ये लो ये लो ये लो, ये 500 रुपए लो, टैक्सी में जाओ, टैक्सी में जाओ, जाओ जाओ टैक्सी में जाओ। हाँ जाओ, आराम से जाना। ऑटो छाटी यार लाला, एनी जी गलती जान लेने का होती। एनी जी गल है, एनी जी गल है, तुम सारे नु लगता एनी जी गल है। सेंटर मिले, अबे रुक ना, मेरे को चढ़ने दे। सेंटर मिले, रुक बस। साला चांदी चौक सुन लो, 3 बातें सब लोग गांठ बांध लो। सबसे पहली, चांदी चौक में 4-व्हीलर नो एंट्री। दूसरी, दिल्ली शहर के सभी लौंडे नाड़े पर कंट्रोल रखेंगे अपने, वरना बहुत मारूंगा मैं, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा सबको। और तीसरी, कि इसके बाद किसी ने भी कोई लड़की को छेड़ा, उसे उस लड़की से शादी करनी होगी, समझे? उस लड़की से शादी करनी होगी उसे, ठीक है? इन्हें लगता है सीटी बजा कर निकल जाएगी। चप्पल कहाँ है मेरी?
नमक ठीक है, खटाई को पैसे और बढ़ा ले। मुझे तो ठीक लग रहा है जीजा जी, एक और दे दो ना। क्या जीजा जी, एक और दो। जीजा जी बोल बोल के सात पत्ते खा गई, गोलगप्पे हैं ये, इसके अंदर मिर्ची होती है। सुबह सुबह शौचालय में जवाब देना होगा। चलो जाओ यहां से। केदारा। क्या केदारा, कल तो तेरे बाप के सामने जुबान दे चली तेरी। क्या कहती मैं, सही तो कह रहे थे पापा। क्या सही कह रहे थे तेरे पापा, 8 महीने में रिटायरमेंट है उनकी। तुम्हारे मेरे लड़कियां, हम तो डंगर हैं। हां अरे लाला जी, रास्ता देना भाई, रास्ता देना। लाला जी क्या है ये लो कार्ड। किस बात, चंद्रमुखी की शादी है अगले मंगल। संगीत है आना, लेकिन एक ही बहन को लेके आना, दो का इन्विटेशन है। चंद्रमुखी की शादी तय हो गई। सुना सुनती तू, चंद्रमुखी की शादी तय हो गई। हंस क्यों रहा है, कुत्ते किससे हुई है? लड़के से, बीज विभाग में क्लर्क है। साबुत है पूरा लड़का? हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं, वेरी फास्ट। कुछ भी नहीं, हमें किसने करवाई शादी? अरे एक वेडिंग मैनेजर है शानू जी, खतरनाक से खतरनाक लड़कियों की शादी निपटा देती है सस्ते से सस्ते दाम में। तो वही नहीं है सौभाग्यशाली वेडिंग। हाँ हाँ हाँ। बेटी आपकी चिंता मारी मारी वाली। बस बस बस, सही जा रहा हूँ। तू जानता है? हाँ हाँ, कई बार कॉल आ ला हूँ तो कैटरिंग के लिए, बल्ले बाबी टिक्की। तो क्या बोला तूने? मना कर दी। टाइम किसके पास है लाला? बड़ा होशियार लड़का है। कॉल कर रहे हो? बेटे काम करियो, मेरी चप्पल दी। मैंने तो साफ साफ कह दी भैया, हम चाट पापड़ी नहीं बेचते, हम तो फरियादी औरतों की ना झोली में किचन की डालते हैं। कहाँ साले देवी स्वरूप औरत को तूने हमसे दूर रखा, याद नहीं आया? चार चार बहने हमारी। सपना, कल इस देवी के चरणों में गिर के आशीर्वाद लेने जाएंगे। ओके क्या? नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। सपना, इसी अंडरटेकर का नाम चंद्रमुखी है। अगर शानू मैडम ने इसकी शादी करवा दी है तो मेरी बहनों में क्या बुराई है? अच्छा हमारा गफार को तुमने चप्पल। चंद्रमुखी जी, पापा कहाँ है? चंद्रमुखी जी पापा कहाँ है? मैडम जी, मैडम जी, मेरा नाम है लाला केदारनाथ अग्रवाल। ये रखो, ये हमारी होने वाली धर्म चर्चा। और जी ये सपना है, हम बड़ी दूर से ना फरियाद लेके आए। मेरी यहाँ नजदीकी दुकान है प्रेमलता चाट बनाने। तुमने तो कहा था तुम दूर से आए हो। हाँ मतलब आए तो हम पास से ही हैं। लेकिन फरियाद दूर की है मैम। अच्छा दुकान का क्या नाम है? प्रेमलता चाट भंडार। अच्छा तुम वही हो घमंडी केदारनाथ? नहीं मैम, चार कुंवारी बहनों के भाई में घमंड कैसे हो सकता है? वो तो ना हमारी दुकान में ना एक बेवकूफ है, उसने आपको पहचाना नहीं। आप जहाँ कहेंगी ना वही स्टॉल लगा देगा केदारा। बता मुझे, मेरी चार बहनें हैं, अगर उन चार बहनों की शादी नहीं हुई ना तो भाई मेरी भी शादी नहीं होगी, और अगर मेरी शादी नहीं हुई तो इसकी भी शादी नहीं होगी। हम 5-6 जिंदगी ऐसे सड़कों पे आ जाएंगे ऐसे भिखारियों की तरह। ये देखिए अभी बात बाद में बात नहीं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चार लड़के चाहिए, चार चार लड़के चाहिए। हो सके तो प्लीज देख लीजिए, सस्ता मजबूत टिका मिल जाएगा। हाँ हाँ बेटे, अभी अभी कर रहे हैं, ठीक है। देखो मेरी बात सुनिए, पकड़ो इसको पकड़ो बेटे, सर लग जाएगा, उसके बाद देख लेंगे। कल शाम को क्या कर रहे हो? जी मैं एडजस्ट कर लूंगा। डेट पे चलने के लिए नहीं कह रही हूँ, केटरिंग के लिए कह रही हूँ। हाँ केटरिंग के लिए आ जाऊंगा, आप एड्रेस दे दीजिए, जहाँ बोलेंगे आ जाऊंगा। अच्छा ऐसा है, अपनी चारों बहनों को लेके वहाँ आ जाना। जी जी आ जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, गुड नाइट। पैसे पैसे नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। कुछ भी खाओगे, कुछ भी खाओगे। हेलो, हाँ कहाँ पहुँचे तुम लोग? अरे आ गए तो दिख क्यों नहीं रहे? हाँ आ जाए, आ जा, आ जा। ये देखो इन्हें, ये तुम तीनों क्या पहन के आई? क्यों अच्छे नहीं लग रहे क्या? अच्छे लग रहे, ये देखो जोकर लग रही है क्या? वहाँ जोकरों के साथ खड़ी हुई। और तेरे क्या कपड़ों पे बच्चे चेस खेलेंगे? जा वहाँ चली जा तू। और देखो इसको देखो, रंग बिरंगी कपड़े, ऐसा लगता है किसी ने पान खा के थूक दिया हो। ऐसा भी क्या हो गया, अच्छे तो लग रहे। और तुम हमें शानू जी से मिलवाओ तो सही। शानू जी से मिलोगी ताकि वो अपना धंधा बंद कर दे? बेवकूफ, जाओ भीड़ में जाकर तितर बितर हो जाओ। चलो जाओ यहाँ से। जब लड़के ने कह रखी थी कि विदाई महंगी गाड़ी में ही होगी, तब इस बात पर बहस क्यों हो रही है? नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है साहब, आज 2 अक्टूबर की वजह से गाड़ी डिलीवर नहीं हो सकी, और वैसे गाड़ी तो हमने बुक कराई है, उसके पेपर भी आप तक पहुंचा दिए हैं। लो जीजा जी कर लो बात, उप्पल साहब ने पेपर हमको दे रखे हैं, मतलब उप्पल साहब के हिसाब से हम उसकी कश्ती बनाएंगे कागज की और बेटे को उसमें बिठा के ले जाएंगे। उपल साहब, आफ्टर ऑल डील इज डील। हां जी पापा, मैंने अपने सारे दोस्तों से कह रखी है कि अपनी मिसेस को लेकर महंगी कार से ही उतरूंगा। देखिए भाई साहब, एक बात सुनिए मेरी, वो बेचारे आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, बता रहे 2 अक्टूबर है, शोरूम बंद है, कल गाड़ी आ जाएगी ना आपकी। कमाल है, लालच इतना अच्छा नहीं होता। क्या 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 लालच, हम लालची हैं? नहीं 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 सर, इनका ये मतलब नहीं था। अरे इनका जो भी मतलब था उपल जी। सुन गफा बेटा, वो मिठाई देने आया था ना दुकान पे, जो कह रहा था लड़का हुआ। हाँ वो रस्तों की ट्रेडिंग वाली। हाँ हाँ, उसको फोन लगाइए। अब तो यहाँ या तो गाड़ी आएगी या ये औरत सॉरी बोलेगी। हाँ रस्तोगी जी, थैंक यू, आपने इतनी रात में शोरूम खोल दिया। वैसे मैं, अरे लाला जी गाड़ी लेके निकलो ना यार, बाकी सब बाद में होता रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद के पास था, तीन तीन बेटियों के बाद आपके गोलगप्पों की वजह से घर का चिराग मिला है। ये लो पकड़ो और पहुंचो। अरे ले जाते तो ले जाए बारात वापस। मेरा नाम भी शानू है, मैंने आज तक अपने बाप से माफी नहीं मांगी। ये लो हैं कौन? शानू जी प्लीज इनसे आप ही बोल दीजिए। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं, जाने दीजिए इन्हें, इन जैसे तो 10 लड़के खड़े कर दूंगी मैं आपके लिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। चलो 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 गाड़ी आ गई है लाल कलर की भाई। बताइयो महंगी गाड़ी आ गई। उठा ले अपना पैर लगा दे एक्सीलेटर पे पकड़। टिकट चल आ रही है, चलो ये लो। अबे रुको गाड़ी पास हो। झगड़ा छोड़ो, पाओ पंगड़ा। मैं कह रहा मेरे गांव में मेरे मेरे। शानू जी हम क्या मर गए हैं जो हमारे रहते आपको सॉरी बोलना पड़े। आ गई दहेज की गाड़ी, कैसे कुत्तों की तरह नाच रहे। थैंक यू। वाह लाला, दूसरों की शादी में इतनी फुर्ती और हमारे लिए सिर्फ बहाने। हम तो गाड़ी तक ना मांग रहे हैं, कंगन में मान जाएंगे। कुत्ते गए हैं बेटा। शानू जी 4 महीने डिस्काउंट तो बनता है। क्या बात कर रहे हो लाला जी, डिस्काउंट तो दिया है ना। अब 20 लाख में दहेज दूल्हा और मेरा कमीशन भी है। अब 20 लाख एक लड़की की शादी के लिए बहुत ज्यादा है। जो वैरायटी लेके आए हो ना आप, ये छोटा शकील, ये अमावस की रात, ये डबल डेकर, कमीशन डबल बनता है। अब खुद हिसाब लगा लीजिए, 20-20 लाख सबके 80 लाख तो वैसे हो गए, फिर शादी का मंडप का 10 लाख और खर्चा। अच्छा चलो आपको खुश कर देती हूँ, इसकी शादी पहले कराऊंगी 18 लाख में, ठीक है। फिर सब पे काम करना पड़ेगा। इसका खाना बंद, इसका धूप में जाना बंद, और ये सनी देओल, इसको सनी लियोनी बनाना पड़ेगा। सॉरी। सपना जी। हाँ हाँ, हरिशंकर की बेटी हो ना तुम जी। अरे बेटा तो यहाँ बैठ के क्या हंस रही हो, जाओ और घर में कट ब्लाउज सिलवाओ। 2 दिन में तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, मैंने रिश्ता कराया है। क्या? इसका लड़का मैं हूँ, ये मेरा खून पीती है। इसका ठेका किसने दे दिया आपको? इसके बाप ने दिया है, रिटायरमेंट से पहले शादी कराना चाहता है, पूरे पैसे दिए उसने। बेवफा 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 निकली है तूने, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार जीता है। चुप है। हिसाब बड़बड़ाना बंद करो लाला जी। ये भाई खाते देखो, क्या पता पूर्वजों का खरीदा हुआ कोई घर मकान दुकान कोठाएं मिल जाए बेचने को। कुट भाभी पुश्तैनी कुर्सी, इसको बेच के 5,000 तो मिल ही जाएंगे। नहीं अगर तुझे इस कुर्सी पे बिठा दूं ना और बेच दूं तब भी 5,000 नहीं आने इस कुर्सी के। कुर्सी लेकर आए बेवकूफ। एक मिनट, मेरे बाप दादा कोठा क्यों खरीदेंगे? लाला ये भी बेच दे। हट रख, हट लाला हट। ओह भाभी इसके नाना करते ना 2,000 तो कहीं नहीं गए। रख इसे, रख दे इसे, हमारी शादी के लिए सिलवाई थी शेरवानी मैंने, हाथ कैसे लगाई तूने? रख, 8 साल हो गए इसे सिलवाए हुए, पुश्तैनी हो गया, बेच दो इसे। मैं कह रही हूँ लाला जी, ये जो तुम्हारी बहन है ना, ये चाहती है नहीं कि हमारी शादी हो। तू क्या चाहती है? मैं ये पहन लूँ? मैं पहन लूँ, ले पहन लेता हूँ ये शेरवानी बस। 20 साल और घर बैठे रहो शेरवानी पहन के, उससे क्या बताओ बारात कब आओगे मेरे घर? जैसे ही मेरी बहनों की शादी हो जाएगी मैं ले आऊंगा। इनकी शादी? हाँ इनकी शादी, दिल्ली NCR की सारी लड़कियां निपट जाएंगी, पर इनकी शादी नहीं होगी, शादी करना ही नहीं चाहती। ऐसा मत बोल सपना, मेरी बहने हैं, खुद की है, किराए की नहीं है। अच्छा तुम्हारी बहने, बचपन से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे से शादी करने की, लेकिन तुम्हें तुम्हारी बहनों के सामने कुछ दिखता ही नहीं है। सपना रोते रोते चलो यार, कल से इसकी डाइट शुरू, कल से एक पत्ता खाएगी पूरे दिन में, एक पत्ता बस। और लक्ष्मी तू उठने में मैरिनेट होगी रहेगी, समझे? गोरी बना के छोड़ूंगा इसे। और वो तो बेचारी देवी है बेचारी, और ये इसका बाल विवाह करा दूंगा बस, खुश तू रो मत। ओह एक्सक्यूज मी मिस्टर लाला जी, आई लव माय बॉडी, बिग इज ब्यूटीफुल, और मुझे भी अपने रंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रही हूं लाला जी, ये ना चाहती ही नहीं है कि इनका ब्याह, ये ना बस चोट निकाल के फोटो में खिंचवाएंगी इंस्टाग्राम पे डालने को। कौन से ग्राम में डालने को? टिकू में डालने को। तुम ना बस ये नाड़ा पकड़े खड़े रहना, हाँ और कुछ मत करना, इन चुड़ैलों के रहते ना हमारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। मैं जाके उस लड़की को हाँ कह रही हूँ, हाँ कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ हाँ, फिर करते रहना तुम्हें जो करना। सपना, सपना, सपना छोड़ो सपना। खुश हो चुड़ैलों, खुश हो, शांति मिल गई। लाला इसका क्या मिलेगा? टट्टी खाएगा। टट्टी कौन खाता है? मुझे 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 बेच दे। वो कर लो, पहन लो।
लाला तुम्हारा वैसे भी कुछ नहीं मिलना, और पुल के नीचे वाले क्लिनिक में किडनी बेच के 2-400 मिल जाएगा। यार आइडिया ही तो दे रहा हूँ, हद हो गई है। लाला सुनो तो सही, और तुम लोग हंसना बंद करो, ये मामला काफी सीरियस है और सपना वाला मामला अब हमें हैंडल करना होगा और लीड मैं लूंगी, समझी? अरे भाई साहब बहन जी लीजिए ना, आप लोग कुछ ले ही नहीं रहे, ले बेटा देखो कचौड़ियां हैं बढ़िया गरम गरम। जी ओ हरिशंकर जी, बड़ी कचौड़ियां वचौड़ियां चल रही हैं, हमें भी भेज दो, हमारा भी तो कोई रिश्ता है सपना भाभी के साथ। भाभी जी नमस्ते। ओ कुत्ते इधर, ठीक है इससे क्या होगा, इससे दाढ़ भी गीली नहीं होगी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इससे क्या होगा, चलो वहाँ जाके बात करो, जो महीने का लाखों EMI में जाता है बैंक, तो भाई या तो हमारा लोन माफ करो या भी थोड़ा और दे दो। बैठ पूरे मोहल्ले के नाक में दम कर रखा जी इन्होंने, और ये कोई भाभी भाभी नहीं है इनकी, ये लाला और ये बचपन के दोस्त है, दोस्त है बचपन से, खूब देखा है दोनों को, डॉक्टर खेलते हैं। झूठ पूरा झूठ। अबे हरिशंकर एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये तो भाई पर्दा है जी पर्दा, कब तो पाती रातों में भड़कते हुए जिस्म की तड़पती आग बुझाने का। ऐसी गंदी बातें कर रही है, अरे गंदी गंदी बातें कर रही है ये, मोहिने स्मेल के डायलॉग है जी, मैं थप्पड़ मारूं तेरे मुंह पे। कुछ तो करो दुआ सा, नया लोन नहीं तो कम से कम देखो ये पुरानी EMI बंद करवा दो एक साल के लिए। अरे लाला जी कभी देखा है लोन के चक्कर में EMI बंद होते हुए? अपना एक काम करो, अपना भाग जाओ यहाँ से और नए सिरे से अपनी जीवन की शुरुआत करो, है जी? ऐसे कैजुअली बात करोगे, ऐसे घंटा कुछ नहीं होना है, उदास हो जाओ यार, उदास हो जाओ, बिल्कुल ऐसे लगे कि बंदा ना ये मर चुका है और लाश बात कर रही है। यही करना है थोड़े से ऐसे आंसू भी लगाना। हमारी भाभी को भागने के लिए जाओगे ना तो भैया को भी ले जाना, इन दोनों के बीच में सोएंगे वो, बचपन के जोड़े को अलग करोगे ना तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी साला। बकवास करने जा रही है, क्या बोल रही है तू? एक इधरा, अगर अपनी दुकान गिरी रखोगे तो कुछ हो सकता है, ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे। चल ले मुन्ना रख दे। बना काम? घंटा बना काम, देख लिया उदास होती है। ये लाला और इनकी बहनों को तो मैं देख लूंगा, खानदान पागल है साला। आज तो आपने गजब ही कर दिया जी में, ये क्या था? हमारी गायत्री चंडी बन गई चंडी। सुनो खबरदार किसी ने भैया को कुछ भी कहा तो, और जल्दी चलो चावल चढ़ा के। कुछ आइडिया है नकली नरेंद्र चंचल गला पाड़ने कितने पैसे ले रहा है? कितने ले रहा है? 1 लाख। 1 लाख वही 5 घंटे के, और हम 500 आदमी को 4 पापड़ी खिलाने कितने? 20,000। थोड़ा सोचो लाला, बस आंटियों को 4 पापड़ी खिला के रहना। भैया भाई हम तुम्हारा काम कर रहे हैं। हाँ भाई हमने भगा दिया उन लड़के वालों को जो आपके सपना को देख रहे थे, अब तो हंस दो। इतनी गंदी शक्ल बना के चाट लाओगे ना लोगों के पेट खराब हो जाएंगे। भैया अभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये तीनों अपनी शादी के लिए मेहनत करेंगी, ये दुर्गा कल से इसकी डाइटिंग शुरू, इसके सांवले रंग का कुछ करेंगे और इसका कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, बस अभी आप रिलैक्स करो। और भाई वैसे तो आई लव माय बॉडी पर आपके लिए कर लेंगे। चलो इसी बात के गोलगप्पे हो जाए। तैयारी कर ले कपार, अब से बेटे खिलाएंगे भी हम ही, गाएंगे भी हम ही। दहेज एक सामाजिक अपराध है जिसने हर तबके की महिला और उसके परिवार को अपनी चपेट में लिया है, यहाँ तक कि इसी प्रथा के चलते बेटों के जन्म पे शोक मनाए जाते हैं और बेटों के जन्म पे खुशियाँ मनाई जाती है। इसी के चलते कौन है ये औरत, सोने क्यों नहीं दे रही, पागल तो नहीं है ये? इनका तो फिक्स है लाला, हर महीने का दूसरा सोमवार वही दहेज विरोधी भाषण। दहेज लेना उतना ही बड़ा जुर्म है जितना दहेज देना है, आप लोगों को मैं समझा चुकी हूँ। इसके बावजूद मुझे पता चला है कि मोहल्ले ने चंद्रमुखी की शादी में दहेज दिया है। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ये प्रथा हमें बदलनी होगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहन जी आपके बच्चे हैं? जी हैं। कितने? 2। क्या लड़का या लड़की? 2 लड़कियाँ। 2 लड़कियाँ, अरे तभी तो आप दहेज के विरुद्ध है भाई। यही 2 लड़के होते आपके तब देखता आप क्या कहती। भाई बेटी की माँ तो बोलेगी ही कि दहेज बुरा है, और यही बात अगर बेटे की माँ कहती तब हम मानते। क्यों जी? और बहन जी मेरे खुद की 4 बहनें कमर टूट गई है पैसे जोड़ते जोड़ते, और वैसे भी कौन सी हमने बनाई है ये दहेज की प्रथा, सदियों से चलते आ रही है तो हमें भी चलाना पड़ रहा है। तो बदलनी चाहिए ना ये प्रथा। कौन बदलेगा ये है? आप ऐसे माइक पे बोल के चौराहे पर। बहन जी ये चांदनी चौक है, चांदनी चौक मिनी हिंदुस्तान, और इस मिनी हिंदुस्तान के हर घर में एक बेटी बैठी है जिसका दहेज कम पड़ रहा है, और उस घर का बाप उसे पूरा करने में हड्डियां गला रहा है अपनी, और आप चाह रही हैं कि इस मेहनत पे अब वो शर्मिंदा भी हो।
मैडम यहाँ खड़े हर आदमी ने अपनी जिंदगी लगा दी है सिर्फ इस उम्मीद पे कि एक दिन वो छाती ठोक के अपनी बेटी विदा करेगा, और आप चाहती है कि इस बात पे हम अपना सर झुका लें। ना जी ना, हम बहुत प्यार करते हैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से। हम जान दे देंगे, सब कुछ दे देंगे उसे। अजी देखो कितना कुछ तो मैंने खुद जोड़ लिया है। ये देखो जी, टीवी हो गया है, वो जी फ्लैट वाला, वॉशिंग मशीन हो गया है, फिर माइक्रोवेव, अलमारी, सोफा, डबल बेड। लाला शानू, हेलो। हेलो लाला, क्या कर रहा है? कुछ ठीक से, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, 10 मिनट में ऑफिस पहुंचो, मैं भी पहुंच रही हूँ। मैं बस जल्दी 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 पहुंचो। हाँ जी, नींद आ रही है? अरे आओ लाला, आओ भाई। अगले महीने की 27 तारीख को तुम्हारी बहन का ब्याह है, जाओ तैयारियां करो। मेरी बहन खुश हो, खुश हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रो ले बेटा, तसल्ली से रो ले। बहुत बड़ा काम किया है तूने। ये देखे कुछ कार्ड हैं, देख तेरे को कौन सा अच्छा लगता है। ये सब क्या है पापा? कुछ नहीं बेटा, तेरी शादी के कार्ड का सैंपल है। तुझे शादी के लिए सेलेक्ट नहीं कर पाया ना, कम से कम ये कार्ड सेलेक्ट कर लेगा। अंकल जगह तो देख ले, ये कोई टाइम है बात करने? यही टाइम है, यही टाइम है। इन लोगों ने देखा था टाइम मेरी फजीयत करने से पहले? तब तो भरी दोपहर, रोड पार की छत से मेरी फजीयत कर रहे थे, मुझे जलील कर रहे थे, तब इन्होंने टाइम देखा था? कहां, किसके सामने क्या बोल रहे हैं? चलो ओ केदारनाथ, अभी एक बहन ब्याही है ना तूने, ये तीनों बाकी हैं, इसका मैं क्या करूं? भरी जवानी में घर बिठा दूं इसको? इसके लिए लड़का देख लिया है मैंने, और दहेज देने के पैसे हैं मेरे पास, अब नहीं रुकूंगा मैं। 5-6 महीने बोले थे ना तूने? दिए थे, वो कर गया। क्या कर लेगा, क्या कर लेगा तू? भगवान देख रहा है अंकल जी। अच्छा, भरी बाजारी वचन देके मुकर रहे हो? हैं, एक हमारे लाला जी हैं, जो अपने वचन निभाने के लिए हड्डियां गला रहे हैं। तुम तो हद्दें पार करने जा रहे हो यार। कौन सा वचन तेरे लाला जी का, कौन सा वचन? जैसे तुझे सड़क से उठा के लाया ना ये, इनकी माँ, इन सब की माँ इसको उठा के लाई सड़क से, और ये इनका सगा बन के बैठा है। जिस मरती माँ को इसने वचन दिया ना, ना वो माँ इसकी, जिसकी फोटो इसने दुकान में लगा रखी है ना, ना वो बाप उसका। अरे बंगला साहब के बाहर से उठा के लाए थे इसको, घर के बर्तन मांजने के लिए, और ये घर का बेटा बन के बैठ गया। अरे परिवार में तो साला नौकर भी पल जाता है, जरूरी नहीं है कि परिवार का सरनेम लगा लेना। सुबह से फोन किया, अब तक नहीं आए म्युनिसिपैलिटी वाले। अरे तो हम ही लोग ले चलते हैं शमशान। सुबह से फोन किया, अब तक नहीं आए म्युनिसिपैलिटी वाले। अरे तो हम ही लोग ले चलते हैं शमशान। बूढ़ा हो जाता है। आप उस हरिशंकर की बात का बुरा मान रहे हो? उसे क्या पता आप हमारे लिए क्या हो भैया?
भाई दोस्त सब आप ही तो भाई। सड़क पर भी मांग रहा था मैं, ये बात तुम सबने बुला दी पर मुझे कैसे याद न रही, मैं कैसे भूल गई ये सब कुछ। क्योंकि भाई जहाँ सगे बेटे ना अपने असली माँ बाप को भूल जाते हैं, वहाँ आपने आपने हमारे मरे माँ बाप की इज्जत रखी है। तो चुप हो जाओ प्लीज। ओके ऐसे शट अप नो, घर पे पहली शादी हुई है, खबरदार जो कोई रोया तो। चलो चलो खड़े और सोचो हरिशंकर का करना क्या। नहीं तो मैं बता रहा हूँ उसमें निपटा देना सत्ता भाभी को, जाके वो शानु जी से बात करो, वही करेगी इन तीनों का कुछ। ये लो नाक पूछ लो। कुछ करता मैं अपनी बहनों की शादी हकलों से थोड़ी करवा सकता हूँ। माना कि मेरी मजबूरी है, पैसे नहीं है, जल्दी है, बहने भी थोड़ी 19-20 है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हकलों से शादी करवा दूं। बहुत बड़ी पार्टी है, वनस्पति घी की डीलरशिप है और 600 गज की कोठी है नारायणा में। पर है तो हकले ही ना, ये कैसे पति हुए जो बीवी का नाम लेने में एक घंटा लगा दे। अरे तो तुझे क्या करना है, और तेरी बहने वैसे भी बोलने कहां देंगी इन्हें। देख ठंडे दिमाग से सोच, ये दोनों जुड़वा भाई हैं और इनके घर वाले चाहते हैं कि दो बहने मिले ताकि घर जुड़ के रह सके। अरे तेरा तो फायदा ही फायदा है, एक मंडप में तेरी दुर्गा और लक्ष्मी दोनों की शादी हो रही है, एक खर्चे में दो शादियां हो रही है तेरी। और मेरी माँ को जो वचन दिया मैंने उसका क्या, ऊपर जाऊंगा तो चप्पलों से मारेंगे मुझे। अरे अब तू देख ले, है तुझे जो कुछ करना है, लेकिन ये आज की डील है, अब ये लड़के यूं के यूं निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। नहीं जी आप करवा दीजिए किसी और से शादी। सोच ले। नहीं मैं अपनी बहन हकलों से थोड़ी करवाऊंगा। पक्का? पक्का जी, करवा दीजिए आप किसी से शादी। देख ले सोच ले। देख लिया कोई बात नहीं, आप ये कोई बात हुई है। अरे मैंने तो साफ मना कर दिया है, हां है शादी की है जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी से भी ब्याह करवा दूंगा अपनी बहनों का। हां भाई सही किया भाई, अब हकलों से थोड़ी ना शादी कर देंगे। आप ठीक है भाई? हां मैं बिल्कुल ठीक हूं, और तू? बिल्कुल ठीक हूं भैया। पक्का ना? हां मेरी दुआएं। मैं बात फोन करता हूं। कैसा लगा चांदनी चौक? सही है, बढ़िया है ना। हाँ पंडित जी कुछ बोल रहे थे। 36 में से 26 गुण मिल रहे हैं लड़का लड़की। लो जी हो गया। वाह क्या बात है, सपना और स्वप्निल नाम सही राम मिलाई जोड़ी है। हाँ जी एक अंधा और एक कोड़ी है। जी आप कौन? जी मैं दुल्हन की सहेली हूँ। पंडित जी आप जल्दी से जल्दी वाली शादी की डेट बताओ। अगले महीने का पहला शुक्रवार कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बुरा जी बहुत बुरा, कैसे जी? अच्छा रहेगा मुझे बताइए, अगले महीने से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, उसमें कैसे होगी इनकी शादी? जी आपको कैसे ज्योतिष का इतना ज्ञान हो गया देवी जी? क्योंकि मैं देवी हूँ, देवी 4 महीने से पहले डेट नहीं निकल सकती, देवी हूँ मैं। मुमताज बेटा मेरी बात सुन। नहीं नहीं कैसे मेरी बात? मेरे साथ अंदर चलना किचन। नहीं मैं नहीं जाऊंगी अंदर किचन। अपना बेटा नहीं छोड़ो मेरा, क्या कर रहे हैं आप? दिमाग भेद खाया है क्या, बुर्खा पहन के किसी के भी घर में घुसेगा तू? अरे शंकर जी मैं आपके हाथ छूट गया, मुझे थोड़ी मोहलत दे तो, मुझे थोड़ी 10 साल से तेरे को मोहलत ही तो दी हुई थी। अरे भाई साहब पंडित जी ये कह रहे हैं, नहीं पर्दा नशीन खवातीन से बात कर रहा हूं, चलिए आप आता हूं। इधर देख तू सर लाला मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मैं मुझे माफ कर दे, मैं बाहर जा रहा हूं, जो भी पहली तारीख निकलेगी ना तय कर दूंगा, 25 सेकंड है तुम्हारे पास, जितनी बात करनी है कर लो, अब तो जीने दे कमीने। आपने बाप को समझा? महादेव से दुआ करूंगी कि तुझे अगले जन्म सपना मुझे लाला केदारनाथ बनाए। तू भी तो करे इंतजार, तू भी तो देखे अपने 16 सोमवार के व्रत को टूटते हुए, तू भी तो जाए हर मंदिर हर मस्जिद अपनी प्यार की भीख मांगने। तुझे रात को नींद कैसे आ जाती है लाला? हाँ बाप ने लड़की को चांदनी चौक घुमाने को कहा, लड़की हंसते हंसते मान गई, आशे का मोहलत चाहता है लड़की वो भी हंसते हंसते दे देगी। अरे लड़की लड़की थोड़ी ना है, चिंगम है, एक तरफ से बाप खींच रहा है एक तरफ से आशे। पिछले जन्म ना तेरी बेबी भगाई होगी मैंने, जो इतने दर्द दे रहा है तू मुझे। मैं कोई दुख नहीं देना चाहता। अगले महीने का दूसरा सोमवार बहुत शुभ है गुप्ता जी। दे दो इसे 4-5 महीने की मोहलत पापा, खूटे से ही बांध रहे हो, 4-5 महीने बाद बांध दे। अंकल सपना वैसे कुछ दबाव वबाव तो कुछ नहीं है ना? मतलब अम्मा तुम ज्यादा स्त्री बात मत फैलाओ, ऐसे दिमाग का समोसे खाओ। हमें शर्म आनी चाहिए गायत्री, शर्म आनी चाहिए।
आखिर हकले भी तो इंसान ही होते हैं, हैं वो भी तो भगवान की देन ही होते हैं, और क्या। आज गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है आज, पक्के में गर्मी बहुत है। ठंड थोड़े दिनों में आ जाएगी, कितने एक महीने की बात और है, दिल्ली की ठंड तो आ जाएगी एक महीने में। गौतम बुद्ध जो बहुत नेक इंसान थे, गौतम बुद्ध बहुत ज्ञानी थे, अच्छे इंसान थे। सुभाष चौक के वहाँ तो बड़ी रश चल रही, वहाँ से तो कोई ना गुजरे। आप लोग कहाँ से आए हो? पीछे की तरफ। ओह अच्छा, मुझे देखो पीछे से आएगी नहीं तो। हाँ जी, उनको बोलने दो ना, क्या कर रहे हो आप? कह रही है उनको बात करने दो। अरे बेचारे वही तो बात कर रहे, ये सवाल उन्हीं की तो है। आपका हाँ बेटा, ये ले, ये खा ले, खा ले। बेटा तू पीछे क्यों रह गया है, तू खाना खा ले। लड़का लड़की आपस में अकेले में बात कर लेते तो अच्छा रहता। नहीं नहीं नहीं, अरे अकेले में क्यों जी, अकेले में क्यों भाई, सबके सामने बात करें हैं। भैया हमें तो करनी है। एक मिनट जरा, मैं इनसे अकेले में बात करूं। एक अकेले बात करने वाले लड़के खुद क्यों नहीं ले आई हैं? ये दोनों मैं लाया हूं, इनके साथ बात मेरे सामने होगी, समझी? नहीं अकेले में क्या बात करनी होती है लड़का लड़की को? पुराने दिन के खाने की बात ही कुछ हो रहा है। अरे लेकिन कुछ भी खाइए, जबरदस्त लीजिए, ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए। नहीं सारे खाइए, आज आप खाइए। अच्छा तो आप अपने पापा के बिजनेस में? जी आ जाओ, एक मिनट बात ही करना बेटा, एक मिनट एक मिनट। आइए ना, आप बड़ी सुस्त है। ये बताइए ये आपका बेटा बुल्ली है या गुल्ली? ये बुल्ली है, वो गुल्ली है। एक मिनट, ये बुल्ली है जो अभी हो जाती ना गड़बड़। बेटे बुल्ली, बेटे तू वहाँ है, बुल्ली तू इधर। अरे सही आदमी से तो बात किया करो बेटे, ये है बुल्ली, तुम्हारे सपनों का राजकुमार, बुल्ली से बात करो। बुल्ली बेटे बोलो। भाई साहब ये गुल्ली है, वो गुल्ली है, आप लोग प्लीज आ जाएंगे। हम लोग खुद सॉर्ट आउट करेंगे। कौन सी है भैया? हां बात बता रहे ना भैया, उसकी मां को तो आने दो। बुल्ली की मां भी आएगी, बचाओ यार बचाओ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हां जी जवान बच्चे, कहीं जवानी की जोश में ऊंच नीच ना हो जाए। क्या करें आप? कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, अपने पति के साथ रहिए, उनका मनोरंजन कीजिए, मैं आता हूँ। क्या खाने में लगे हुए? बेटा गुल्ली बड़ी बुरी खबर है, तेरे पापा के सीने में ना बड़ी दर्द हो रही है बेटा, उन्होंने 17 समोसे खा लिए और सारे के सारे ना समोसे छाती में चढ़ गए। बेटा मुझे पता नहीं क्या होगा, फिर तुम्हारे पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वहाँ अच्छी अच्छी नर्सें भी हैं, इनका दिल लगा रहेगा। चलो मेरी बात सुनो, अगली बार साड़ी मत बैठ गया ना, मेरा बस जींस बैठ गया। चलिए आप अंदर चलिए, आप अंदर चलिए, चलिए बेटा चलो, तू भी बैठ अंदर, सीने दबा सीने दबा, अपना नहीं उनका दबा उनका। चलिए वाह 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 वाह, पीछे हटा कर बोले चला गया बेटा, गाड़ी लेके आओ, चलो 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 चलो। अच्छा भाभी जी चलो, चलिए चलिए घुमाते घुमाते, चलिए चलिए शाबाश। कितना प्यारा परिवार है ये, और दोनों लड़के कितने बातूनी है। मैं पंडित से जल्दी बात करता हूँ डेट की, ठीक है? क्या हुआ? अरे इस घर में कोई अच्छा काम करो, खुशी नहीं रहता लाला। हाँ थोड़ा काम पे भी ध्यान दे लो, दो दिन हो गए नहीं खट्टा आ रहा है। अबे तो हमें कौन सा जमाना है, हमें तो फैलाना है। चल कहाँ? सपना के बाप के पास। बच के आंटी जी रोकियो भाई रोकियो। ओ सपना, ओ सपना, सपना गुप्ता। पापा जी नमस्ते। डोंट कॉल मी पापा। अच्छा अंकल जी नमस्ते। डोंट कॉल मी अंकल टू। हरिशंकर जी नमस्ते। मैं डोंट कॉल मी हरिशंकर। अरे क्या बोलूं ढक्कन को? बुलाओ ए आदमी। ए आदमी, तुमने जो मुझे 4 महीने की मोहलत दी थी, बस उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। मैंने दुर्गा और लक्ष्मी दोनों की शादी तय कर दी है, 2-2.5 महीने में दोनों की शादी करवा दूंगा मैं। और दहेज? दहेज कहाँ से लाएगा? बाप का घड़ा खजाना मिल गया क्या? और बाप का खजाना चाहिए होता है बुजदिलों को, ठीक है? शेरों को चाहिए होता है मुर्दा, जो कि है हमारे पास, वो भी दो दो। मेरी बात तो सुनो, वो सपना के दर्शन तो बेटा तुम लोग ना अच्छम को कह देना लड़िया लगवाने के लिए, और यहाँ लगवाना आंगन में यूं सीधे सीधे लगवाना, और फूलों के लिए चंदू को बोल देना पंजाब स्वीट से बेटा मिठाइयाँ मिठाइयाँ मंगवा लेना। अरे लाला जी आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, सब हो जाएगा आराम से। शादी के बाद गायत्री की पहली राखी है ना, अच्छे से करना। सब ठीक है, पर आप जा कहाँ रहे हो? भोपाल जा रहा हूँ। आपने तो इंदौर कहा था। हाँ तो भोपाल और इंदौर आसपास ही तो है, केटरिंग के 2-3 काम मिले हैं, वही करने जा रहा हूँ बस, राखी से पहले लौटा।
ठीक हो आप लाला जी? इतने प्यार से तो डर लगता है। चलो किसी चीज से तो ये डरी। भैया कहाँ से लाए आप मेरे दहेज के पैसे? वो मैंने झूठ तो बिल्कुल भी मत बोलना। हाँ दुकान गिरवी रख दी। हे भगवान, मेरे दहेज के लिए आपने ये किया, इन तीनों के लिए क्या करोगे? दो दो किडनी है, एक बेच दूंगा। अरे चल ना पागल के। दहेज के लिए पैसे चाहिए, समय बहुत कम है, वरना मैं ऐसी बात नहीं करता। इस धंधे में हम हमारे बाप दादा के जमाने से झोल झपट कर रहे हैं, समझे? टेंशन मत लीजिए। हमको जल्दबाजी तो नहीं कर रहा ना किडनी बेचने में? कुत्ते, तूने तो आइडिया दिया था, अब तू ही कह रहा। अरे इंजेक्शन दे दिया बेहोशी का इन लोगों ने। क्या हो गया? अरे क्या हुआ भैया? भैया कुछ बोलो तो। गायत्री भैया, मुझे एक झूठा फोन आया था, कह रहे थे मेरी बहन गुजर गई, पता करना था। चल चल, अरे हटो, देखिए हम लोग, अरे हटो, आप लोग ले ले, नहीं आपको नहीं जाने देंगे। ना ब्रदर है ना कोई, ये अपने आप को सबाई बता रहा है। साहब एक झूठा फोन आया, कह रहे थे गायत्री मर गई। चांदनी चौक से आए हैं? हाँ जी। केदारनाथ? हाँ जी। ए हटिए सामने से, मैंने आपको कॉल किया। आज सुबह 8:45 के करीब लड़की के पति का फोन आया था, प्राइम ऑफ एसी सोसाइटी से। जरा दिखा दो। साहब नहीं साहब, ये मेरी बहन नहीं है, वो तो गोरी थी, ये तो नीली है साहब। गायत्री, 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 गायत्री। भाई साहब आपको तो पता है ना, एकदम हस्ती हुई लड़की थी हमारी। होनार बच्चा दिया।
क्या कमी रह गई भाई बता। भाई साहब ये प्यार नहीं करती थी आपको, खाना नहीं बनाती थी आंटी जी, घर नहीं संभालती थी आपका, फिर क्यों मार दिया इसे, क्यों मार दिया इसको? अरे फ्रिज चाहिए था इन्हें 300 लीटर का डबल डोर वाला। अरे आप चुप रहिए, अरे खून भी रखा था आपकी बहन का इन लोगों ने मांग मांग कर। भाई साहब मैंने कितनी बार उससे कहा कि तू बता दे सब कुछ अपने भाई को, पता क्या बोली कि भाभी तेरे भाई ने बहुत झेला है मेरी वजह से, कमर टूट गई उसकी, मेरा दहेज जोड़ते जोड़ते किस मुंह से बोलूंगी उसको। उसे कह रहे थे अगर फ्रिज नहीं आया ना तो राखी बांधने नहीं जाने देंगे, खा लिया जहर उसने। दुकान को चल।
दुकान को मेरा बाप बेवकूफ, साला उसका बाप बेवकूफ। औरतों को गोलगप्पे खिलाते रहे, दो दो रुपए में दुआएं देते रहे कि साला के लड़का होगा है? वही लड़के जब बड़े होकर हमारी बहन बेटियों को जहर देके मार देते हैं। किस लिए मार देते हैं? एक फ्रिज के लिए, एक टीवी के लिए आग लगा देते हमारी बेटियों को। क्यों मारते हैं वो लोग? ये बोल उतर, नहीं बिकेगा आज के बाद एक ऐसा गोलगप्पा जो लड़का देता हूँ। उतार बोलिए। अच्छा, उतार देंगे। उतार, उतार ही ना। मेरे मेरी फूल सी बहन भेजी थी, सालों ने कुत्तों ने लाश भेजी है, कुत्तों ने लाश भेजी। नहीं रुकेंगे गफार, ये लड़के वाले नहीं रुकेंगे। ये साले मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे और हम लोग देते रहेंगे। ये साले मांगते रहेंगे। नहीं जी, बहन जी सही कह रही थी, बहन जी आप सही कह रही थी। इस दहेज की प्रथा को मांगने वाले कभी नहीं तोड़ेंगे, इसे देने वाले को तोड़ना होगा। जमींदार तो लेते रहेंगे, ये तो किसान है जिसको खड़े होकर बोलना पड़ेगा कि नहीं देंगे। अरे मुझे लगा जो मांग रहे हैं दे दो, हमारी बहन खुश रहेगी, पर नहीं, इन्हें और चाहिए। हर तीस त्योहार पे चाहिए, बच्चे के होने पे चाहिए, बच्चे के मुंडन पे चाहिए, उनके घर में किसी और की शादी हो तो हमसे चाहिए, उसमें भी हमें ही देना है। हम दे देंगे, खून लगा देते हैं इनके मुंह पे, और ये और मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। मैंने जैसे अपनी मर्थी माँ को वचन दिया था ना बेटा, आज मैं हाथ जोड़ के अपनी तीनों बहनों को वचन देता हूँ। बेटा मैं तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि तुम दहेज लेके आओ। वो सारा पैसा जो मैंने तुम्हारे दहेज के लिए जोड़ रखा है वो मैं तुम पे लगाऊंगा। तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि तुम खड़े होके उल्टा दहेज मांग सको। और कसम है तुम्हें तुम्हारे बाप की जो कभी हार मानी। बेटा इतनी बड़ी बात नहीं है शादी जितना आत्मसम्मान होता है। और ये बात मुझे मेरी बेटी जैसी बहन को खो के समझ आई। चिंता बहन भेजी थी, लाश लेके आओ, मार दिया सालों ने। मेरी एक कसम तेरी आधी जिंदगी खा गई, बाकी की आधी ये दूसरी खा जाएगी। तुझे मेरी कसम है, कर ले शादी, जा तेरा बाप कह रहा। सुन 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 मेरी बात सुन। अब नहीं लिखा महादेव ने तेरा मेरा साथ होना, तू मत लड़ उनसे, मत लड़। मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी कर ले ब्याह, जा तेरा बाप। आज का पूरा दिन रो लो, भूखे पेट भूट भूट के रो लो, लेकिन आज के बाद कोई नहीं रोएगा। साफ करो अपनी आंखें, अब से कुत्तों की तरह पढ़ाई करनी है। भैया जो कर सकते थे उन्होंने वो सब किया, अब हम बहने करेंगे कुछ। बहन का दुख, शराब, पूरे दिन की थकान,
हर चीज जोड़ने की कोशिश कर ली मैंने केदारा, फिर भी समझ नहीं आ रहा कि किस बात की सजा दे रहा है तू मुझे। क्यों करूं मैं किसी और से शादी, क्यों करूं? बचपन से जिसका इंतजार किया वही अपना ना हो सका तो फिर कोई पराया क्यों होगा केदारा? केदारा मैं करूंगी ना तेरा इंतजार और करूंगी, तूने अपने सारे कस्बे वादे वचन तो सारे खत्म कर दे, मैं तब तक करूंगी तेरा इंतजार, है ना? सबसे लड़ लूंगी मैं, पापा से लड़ लूंगी, मैं दुनिया से लड़ लूंगी, मैं उनके ताने सुन लूंगी, मैं शादी कर लेंगे, बहन के बैठी हूं ना तेरे लिए। एक बहन और एक किडनी खो के ये बात समझ आई सपना, परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। एक बात बता, तू रह लेगी चैन से इस सदमे के साथ कि तेरी शादी की सोच सोच के तेरा बाप चल बसे? प्यार शायद फिर भी मिल जाएगा सपना, बाप कहां से लाएगी तू? मन जोड़ ला लो, बाप लगेगा तुझे मन जोड़। शहर की हर गली में कितने पति पत्नी घूम रहे हैं अपना प्यार भूल के सपना, चांदनी चौक की गली नंबर 4 में दो और हो गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? सुन मेरी बात, जा जा जाके नया सूट डाल, खाना खा और अपने हंसते बाप का चेहरा देख। कि लाला केदारनाथ अग्रवाल से बढ़िया चाट कोई नहीं बनाता, तेरी शादी में भी चाट मेरी तरफ से। सपना सपना मेरी बात तो सुन, ये हल्दी संगीत सगाई वरमाला ये सब गली क्रिकेट है बेटा, इसका स्कोरबोर्ड काउंट नहीं करता। तो अपने हाथ में लीजिए गलत, असली मैच ये है फेरे जो तू अभी लेने वाली है बेटा, एक बार ये हो गए ना तो सब बंडाधार हो जाएगा, तू ये शादी तोड़ दे। अरे ऊपर जाके सबसे पहले तेरी माँ मिलेगी बेटा, अगर तुझे दुखी करके उससे मिलूंगा तो सोच के देख क्या हासिल करेगी बेटा मेरा। प्लीज तोड़ दे।
बारात का क्या होगा? ये दूध दे बेटा। ये शोर तो नहीं मचाएंगे? मचाएंगे, अब कम मचाएंगे, ज्यादा मचाएंगे, तेरी किस्मत। आइए आइए। हैंडल तेरा बाप करे। वो देख लाला को देख, कमीना कैसे बत्तख की तरह बैठा हुआ है अपने कुनबे के साथ। क्या कर रही है यार सपना, कुछ कर ले बेटा, दो ही फेरे बचे यार, तो साथ ही होते हैं। देखो ओ नीच लाला, आखिरी के दो फेरे बचे, अब तो रोक ले कमीने। सपना ये क्या बदतमीजी है? हमारे पैर के चक्कर में पिटने को तैयार है और तू दूर बैठा मुझे देखता रहे, बस कुछ मत करियो। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? कैटरिंग तो मैंने कर ली, तुझे ना कुछ खाने का मन करता है मुझे। लाला क्या कहा था तूने कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता? मैं कौन हूं? परिवार नहीं हूं मैं तेरा। कल से तू और तेरा बाप मेरे दुकान पे आके मेरा खून पीना, शादी कर शादी कर, ये कल से फिर शुरू हो जाना। हाँ लाला, तेरे इंतजार में मैं बूढ़ी होती रहूं और तेरा खून भी ना पीऊं? पियो मेरा खून पियो। फिर तो रोज आऊंगी तेरे दुकान, तुझसे रोज पूछूंगी कि बता लाला चले कब कर रहा है। हो गया हो गया, सब सेटल हो गया, लड़के वाले भी मान गए और ये लड़का भी मान गया, बहुत ही शरीफ लोग हैं, बस इसकी एक शर्त है लाला। बोल बेटा। आप ही बता देना। मैं शर्मा। शर्मा रहे? थोड़ा थोड़ा। ऐसा है लाला, ये लक्ष्मी को पसंद करता है। सपना की रस्मों में इसी को ताड़ रहा था कमीना। देख रहा था। प्रेशर कुछ नहीं है, मतलब अगर सब ओके हो तो। लाला बहुत मुश्किल से सेटल हुआ है, मान जा। ठीक है, कल आ जाना दरियागंज कोचिंग के बाद, लेकिन समझ आए तो ही हाँ बोलूंगी। और पता है ना, हमारे यहाँ लड़कियाँ दहेज देती नहीं है, लेती है। वो तो सबको ही पता है, मतलब ऐसा क्या। हमारी घर की कहानी पूरी तो हो गई थी, पर खत्म होने में अभी कई साल बचे थे। ओ लाला, कमीने कब करेगा शादी तू? मुझे पता नहीं। अरे लाला, यही हो रहा। भाई ने भाई का फर्ज तो निभा दिया था, पर हमारी माँ को दिया वचन अभी बाकी था। मेरी तीनों बहनों को डोली में बिठाने के बाद ही मेरा भाई घोड़ी चढ़ सकता था, और उसके लिए उसने जी जान लगा दी। 200 साल पहले हम औरत को पति की चिता के साथ ही जला देते थे, आज तो हम उतनी भी सहमत नहीं उठा रहे। खुद पति ही जला मारता है बीवी को, पर इस देश में सुबह का बूला शाम को घर आ ही जाता है। मुझे खोके ही सही, पर मेरे भाई और उसके साथ पूरे चांदनी चौक को लगने लगा था कि लड़की में भी 206 हड्डियां ही होती हैं, उसका खून भी लाल ही होता है, उसके जलने की भू भी आदमी के जलने के जैसी ही होती है, और अगर उसका कांधा भी थपथपाया जाए तो वो भी जिंदगी में कुछ बन सकती है। 12 साल पहले मेरी चिता को अग्नि देके मेरे भाई ने कहा था कि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता, और अपने पैरों पे खड़ा होना उस आत्मसम्मान की पहली शर्त है। जिस दिन इस देश की बेटी अपने पैरों पे खुद का वजन लेके चल देगी, उस दिन दहेज मांगने वालों की बात का वजन खुद ब खुद कम हो जाएगा। दोस्त, शादी बराबरी का रिश्ता होता है, ना कोई बड़ा होता है ना छोटा, ना किसी को पैसा देना होता है ना किसी से लेना होता है। ये बात आखिर कितने वक्त में समझेंगे हम? कितनी लड़कियों को रोज पिटना होगा, डरना होगा, मरना होगा। वाह जियो, 60 में भी कितना जचता है ना मेरा भाई, भगवान लंबी उम्र दे इसे। बड़ी तमन्ना थी मेरी कि नाच सकूं अपने भाई की बारात पे, गले तक जीना चाहती थी मैं, अनार की रोशनी बन के बिखर जाना चाहती थी अपने भाई की बारात के आगे, पर ऐसा हो ना सका। आशीर्वाद है मेरा कि ऐसा भाई सबको मिले, और एक छोटी सी ख्वाहिश भी कि हर एक घंटे में जो एक लड़की इस दहेज के नाम पे मर जाती है, इस देश में वो बंद हो जाए, और किसी के लिए ना सही तो बस इसलिए कि देख सके वो भी अपने भाई को घोड़ी पे चढ़ा, शेरवानी पहने, उसकी भाभी को घर लाते। RG Entertainment के साथ आप 2K और 4K USD में अनलिमिटेड अनरिलीज मूवीज का आनंद